प्यारे बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ में चैप्टर 13 में एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 4। एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या मतलब हुआ? हमारा ये गुब्बारा है, उसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। उसमें ये गुब्बारा है, गोलाकार है, इसमें हमने हवा भरी। हवा भरने के बाद में जो इसकी रेडियस है, इसकी त्रिज्या है, वो हो जाती है 14 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है इन दोनों स्थितियों में जो गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल हुए उनका अनुपात क्या होगा। लिखेंगे पहली स्थिति में गुब्बारे की त्रिज्या आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। इसीलिए गोलाकार गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू, इसमें गोले का जो होता है क्षेत्रफल वो लगेगा 4πr2। क्या हो जाएगा? 4πr2। 4 × π का मान नहीं लगाएंगे, r का मान 7 दे रखा है, 7 का स्क्वायर हो गया, तो 4 × π × 7 × 7 ये हो गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। हवा भरने के बाद गुब्बारे की त्रिज्या हमने r मान ली इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसीलिए हवा भरने के बाद गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये भी हो जाएगा 4πr2। 4 × π का मान नहीं लगाएंगे, r हो गया 14 का स्क्वायर इक्वल टू 4 × π × 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर इसलिए करेंगे, पहले का ये हो गया, दूसरे का ये हो गया। मतलब जब हवा हमारे उसमें नहीं भरी थी हमने उस टाइम तो ये है, और जब हवा भर दी उस कंडीशन में आ गया, तो दोनों का अनुपात निकालना है। तो ये बटे ये कर देंगे 4 × π × 7 × 7 upon 4 × π × 14 × 14। 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 7 × 7 7 × 14 और 7 × 7 7 × 14 1 × 1 1 हो गया और 2 × 2 4 हो गया इक्वल टू 1/1 ratio 4। वन अपॉन फोर इक्वल टू 1/4। इस तरीके से हमारे दोनों गुब्बारों या दोनों स्थितियों में जो उनका क्षेत्रफल है उसका अनुपात हो गया 1:4। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है।
₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात करो। कहने का हमारा क्या हुआ, कोई अर्ध गोलाकार कटोरा है, जैसे ये हमारा अर्ध कटोरा, इसका आंतरिक व्यास दे रखा है, ये दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ये अर्ध गोलाकार कटोरा हो गया, इसका व्यास हो गया डायमीटर डी। इसके अंदर की साइड में, इस साइड में कलाई करनी है, मतलब पॉलिश करनी है। इस पॉलिश का खर्च दे रखा है हमको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में ₹16 खर्च आता है, तो टोटल खर्च का कितना होगा ये हमको निकालना है। लिखेंगे अर्ध गोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, इसीलिए कटोरे की त्रिज्या आर हो जाएगी हमारी 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर, इसीलिए अर्ध गोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है 4πr², अर्ध गोलाकार का हो जाएगा उसमें ध्यान कर देंगे 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम, तो यह हमारा 2πr², ये हो गया अर्ध गोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमारा हो जाएगा अंदर निकल के आएगा इससे हमारा, क्योंकि रेडियस अंदर की है तो अंदर निकल के आएगा, अगर रेडियस बाहर की होती तो बाहर का निकल के आता, क्या हो जाएगा 2 × π³ चलाएंगे 22/7 बड़ा आर हो गया हमारा ये 10.5/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × 22/7 × 10.5/2 × 10.5/2। इसको 2 से 2 काट देंगे और 2 से कट जाएगा ये 11 टाइम, तो क्या हो गया 11 7 से काटेंगे 7 से 7 और 7 से 7 3 आया और 7 × 5 = 35, तो ये हो गया हमारा 11 × 10.5 × 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, ये हो गया अर्ध गोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कलाई कलाई करने की दर क्या है, ₹16 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलाई करने का खर्च बराबर ₹16, इसीलिए 1 सेंटीमीटर² क्षेत्रफल पर कलाई करने का खर्च बराबर हो जाएगा 100/100, इसीलिए हमारा क्षेत्रफल आया ये, तो ये लिखेंगे 11 × 10.5 × 1.5 सेंटीमीटर² पर कलाई करने का खर्च इक्वल टू, इसे गुणा करेंगे हम 11 × 10.5 × 1.5 मल्टीप्लाई ये करेंगे 16/100, 11 से करेंगे मल्टीप्लाई इसमें 11 × 5 = 55 और 1 से करेंगे 11 × 11 ये हो गया हमारा 115.5 मल्टीप्लाई,
इसका करेंगे इसमें 16 5 जा 80 8 कैरी हो जाएगा, 16 जा 16 प्लस 8 24 पॉइंट ध्यान रख गया अपॉन 100 ये हो गया। अब करेंगे मल्टीप्लाई 115.5 में 24 से 124 करेंगे मल्टीप्लाई तो इसका आएगा मल्टीप्लाई हमारा 2772/100। इससे इसको करेंगे डिवाइड तो ये हो जाएगा 27.72 रुपी। तो हमारा जो कटोरे के अंदर की तरफ कलाई हुई कलाई करने का कुल खर्चा है हमारा 27.72 रुपी। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है एक दो समय में क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रतिक्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे माना हम गोले की त्रिज्या हमें मालूम नहीं है, मान लेते हैं आर। माना गोले की त्रिज्या बराबर आर सेंटीमीटर, इसीलिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 4πr² ये हमें दे रखा है। ये लिखेंगे प्रश्नानुसार इसके स्थान पर लगा देंगे यहां से ये 154 इक्वल टू 4πr² देयरफोर r² इक्वल टू 154 इक्वल टू 4 × π का मान लगा देंगे 22/7 × r² देयरफोर हम इसको ऐसे ले सकते हैं 154 इक्वल टू 4 × 22 × r² / 7। अब यहां हमने हर एक मान लिया और करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4 × 22 r² = 154 × 7 देयरफोर r² = 154 × 7/4 × 22। 20 से करेगा 7 टाइम 22 और 27 या 154 क्या जाएगा 7 × 7/4 ये हो जाएगा 7 × 7 इसको ले सकते हैं हम 2 × 2 फैक्टर करके क्या हो जाएगा 7² / 2² अब बटे में है संख्या दो हमारी दोनों के ऊपर पावर सेम है तो क्या करेंगे 7/2² पावर को हम एक साथ लगा देंगे और इन दोनों संख्याओं को लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया हमारा r² = 7/2² यहाँ बेस r हो गया यहाँ बेस 7/2 हो गया सारे लगा बीच में बराबर का यहाँ पावर दो है यहाँ पावर दो है। ऐसी स्थिति में जब दो संख्या बराबर है वेस अलग अलग है पावर सेम है तो पावर सवाल काट देते हैं आठ चार कट जाएगा देयरफॉर r = 7.2 डिवाइड करेंगे तो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर अर्थात गोले की त्रिज्या हो गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए गोले की त्रिज्या रेडियस इक्वल टू हो गया 3.5 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर? मुझे उम्मीद है सभी क्वेश्चन समझ में अच्छी तरह से आए होंगे। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।